अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू अरसल टेक। एंड्रॉइड स्टूडियो के इस वीडियो में आज हम म्यूज़िक प्लेयर एप्लीकेशन को कंप्लीट करने वाले हैं। सो हमने पिछले ट्यूटोरियल में देखा था कि किस तरह हम म्यूज़िक प्लेयर एप्लीकेशन के यूज़र इंटरफेस को क्रिएट करते हैं। सो चलें स्टार्ट करते हैं आज का हमारा ट्यूटोरियल। सबसे पहले अब हम क्या करेंगे कि अपने प्रोजेक्ट को ओपन करेंगे और यहाँ से अब हमने क्या करना है, कंटिन्यू। सबसे पहला स्टेप आपका यह है कि आपने अपने मेन एक्टिविटी में जाना है और यहाँ पर आपने आना है वॉइड डिस्प्ले के मेथड में। यहाँ पर अब हम क्या करेंगे, जो हमने लिस्ट व्यू ली थी, अब हमारे सॉन्ग्स जो है वो डिस्प्ले हो गए थे। हम जब सॉन्ग को क्लिक करें तो हमारी न्यू एक्टिविटी शो हो, जो हमारी होगी प्लेयर एक्टिविटी। उसके अंदर हम क्या करेंगे कि अपने सॉन्ग को प्ले करेंगे। उसके लिए जब क्लिक होगा तो उसके लिए हम जो लिस्ट व्यू के ऊपर एक मेथड को अप्लाई करते हैं, माय लिस्ट व्यू डॉट सेट ऑन आइटम क्लिक लिसनर, ये हम उसके ऊपर क्या कर देते हैं, अप्लाई कर देते हैं। न्यू ऑफ एडाप्टर व्यू, यहाँ पर आपके सामने जो है वो मेथड जो है वो क्रिएट हो चुका है, ठीक है, ऑटोमेटिकली जनरेट हो जाता है। जब ही आप न्यू ऑफ एडाप्टर लिखेंगे तो ऑटोमेटिकली ये मेथड को जनरेट कर देगा। यहाँ पर मैं क्या कर रहा हूँ कि सबसे पहले मैं यहाँ पर क्या करूँगा, स्टार्ट एक्टिविटी, स्टार्ट एक्टिविटी, न्यू ऑफ इंटेंट, यहाँ पर सबसे पहले मैं क्या करूँगा, गेट एप्लीकेशन कॉन्टेक्स्ट, जो हमारा कॉन्टेक्स्ट है, और जिस एक्टिविटी मैंने जाना है वो है प्लेयर एक्टिविटी डॉट क्लास। हमारा इंटेंट तो यहाँ पर कंप्लीट होता है, लेकिन मैं क्या कर रहा हूँ कि इस इंटेंट के साथ मैं जो अपना एरे लिस्ट है उसके सॉन्ग्स को जो मेरा प्ले होगा उसको भी मैं जो है वो दूसरी एक्टिविटी में भेज रहा हूँ, ठीक है। स्टेप बाय स्टेप मैं आपको जो वो समझाता रहूँगा। यहाँ पर क्या करेंगे, पुट एक्स्ट्रा, ठीक है, ये मेथड हम यूज़ करने वाले हैं। यहाँ पर हम की और वैल्यू जो भेजने वाले हैं वो है, हमारी की सबसे पहले है सॉन्ग्स, जो उसकी वैल्यू है वो है माय सॉन्ग्स, ठीक है। इसके साथ साथ मैं क्या भेज रहा हूँ, यहाँ पर पुट एक्स्ट्रा, ठीक है, यहाँ पर जो हमारी की है वो है मेरा सॉन्ग नेम एंड जो मेरी वैल्यू है। यहाँ पर वैल्यू को यहाँ गेट करने के लिए यहाँ पर मैं क्या करूँगा, स्ट्रिंग, सॉरी, यहाँ पर स्ट्रिंग सॉन्ग नेम, ठीक है। उसके लिए मैं क्या करूँगा, लिस्ट व्यू होगी जो हमारी माई लिस्ट व्यू फॉर सॉन्ग डॉट गेट आइटम एट पोजिशन, जो हमारी पोजीशन, अब यहाँ पर पोजीशन जो होगी वो आप देख सकते हैं यहाँ पर इंट में आपके सामने जो है वो आई है, वो आपने सिंपली इस पोजीशन के अंदर जो है वो पेस्ट कर देना है, ठीक है। डॉट टू स्ट्रिंग, अब ये क्या करेगा, जो आइटम होगा जो हम सेलेक्ट करेंगे उस पोजीशन पर जो डाटा होगा वो इस स्ट्रिंग के अंदर जो है वो पेस्ट कर देगा। वो मैं क्या करूँगा, यहाँ पर जो है वो सिंपली पेस्ट कर दूंगा, ठीक है, सॉन्ग नेम। ये जो मैं इंटेंट के ज़रिए दो चीज़ें मैं जो है वो भेज रहा हूँ, एक तो मेरी जो वो एरे लिस्ट है, जो मैं सॉन्ग है जो प्ले करूँगा वो भेज रहा हूँ, और यहाँ पर सॉन्ग नेम मैं यहाँ पर इंटेंट के ज़रिए जो है वो प्ले एक्टिविटी में भेज रहा हूँ। चलें अब हम चलते हैं अपनी प्ले एक्टिविटी की तरफ और उसको हम करेंगे कम्प्लीट। अब इस एक्टिविटी में मैं क्या करूँगा कि ग्लोबली यहाँ पर मैंने दो तीन चीज़ें हैं वो मैं यहाँ पर जो है वो डिक्लेयर कर देता हूँ। सबसे पहले मैं यूज़ करने वाला हूँ स्टैटिक मीडिया प्लेयर, और इसका ऑब्जेक्ट जो वो मैं क्रिएट कर रहा हूँ, माय मीडिया प्लेयर, ठीक है। और उसके बाद मैं क्या यूज़ कर रहा हूँ यहाँ पर, इंट पोजीशन। ये वेरिएबल मैंने क्यों लिया है, किस पर्पज़ के लिए लिया है, वो मैं आपको आगे चल के जो है वो मैं यहाँ पर जो वो बता देता हूँ। उसके बाद मैं यहाँ पर क्या लेने वाला हूँ, एक एरे लिस्ट, कि कौन सी वो टाइप होगी एरे लिस्ट की, वो मेरी होगी फाइल टाइप, ठीक है, वो यहाँ पर होंगे माई सॉन्ग्स, ठीक है। अब मैं यहाँ पर नेक्स्ट स्टेप मेरा क्या है कि मैं यहाँ पर एक यूज़ करने वाला हूँ थ्रेड, ठीक है, वो किस लिए, वो मैं करने वाला हूँ अपडेट सीक बार,
ठीक है। सो इसके लिए मैं थ्रेड जो है वो यूज़ करने वाला हूँ। सो ये दो दो तीन चीज़ें, चार चीज़ें थी जो मैंने यूज़ करनी थी, वो मैंने यहाँ पर डिक्लेयर कर दी। सो अगले स्टेप में अब मैं यहाँ पर सबसे पहले आप क्या करेंगे कि यहाँ पर ये तो हमारी कॉस्टिंग थी, इसके नीचे ऑन क्रिएट के मेथड में मैं सबसे पहले जो मैंने सीक बार है यहाँ पर आप देख सकते हैं, इसको मैं क्या करूँगा अपडेट। सो इसे अपडेट करने के लिए मुझे थ्रेड की जो है वो ज़रूरत पड़ेगी। सो अब मैं यहाँ पर क्या करता हूँ, अपडेट सीक बार इज इक्वल टू न्यू ऑफ थ्रेड, ठीक है। इसके अंदर अब यहाँ पर मैं क्रिएट करूँगा, सो आप एड इंसर्ट क्लिक करेंगे तो यहाँ पर हमारे आएंगे ओवरराइड मेथड्स। तो सो इसके रिलेटेड जो थ्रेड के मेथड्स हैं, जो इवेंट्स हैं, वो आपके सामने यहाँ पर शो हो जाएंगे। तो आपने सिंपली क्या करना है, रन के जो मेथड है उसको आपने यहाँ पर यूज़ कर लेना है, ठीक है। सो मैं यहाँ पर इस सुपर डॉट रन को करूँगा क्लियर, और यहाँ पर आप देख सकते हैं आपका एरर जो है वो रिजॉल्व नहीं हुआ। सो सिंपली आपने यहाँ पर क्या करना है, कॉलन जो है वो सेमी कॉलन यूज़ कर लेने हैं। सो उसके बाद यहाँ पर इस रन के मेथड के अंदर कुछ मैंने कंडीशंस यूज़ करनी है, वो मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहले मैं क्या यूज़ करूँगा, इंट टोटल ड्यूरेशन। सो इस टोटल ड्यूरेशन में मैं क्या कर रहा हूँ, जो मेरा माई मीडिया प्लेयर होगा उसकी जो गेट ड्यूरेशन होगा वो मैं इसमें जो है वो स्टोर करवा रहा हूँ। और इसके बाद मैं एक और वेरिएबल लेने वाला हूँ, करंट पोजीशन, ठीक है। सो इस करंट पोजीशन में मैं क्या करूँगा, सबसे पहले तो मैं इसे ज़ीरो ही जो है वो पास करूँगा, और इसके बाद मैं एक यूज़ करूँगा वाइल लूप। वाइल लूप में मैं क्या करूँगा, करंट पोजीशन इज लेस देन टोटल ड्यूरेशन, ठीक है। सो इस वाइल लूप के अंदर मैं यहाँ पर ट्राई एंड कैच की जो है वो यूज़ करने वाला हूँ। यहाँ पर जो एक्सेप्शन है वो यहाँ पर क्या है, इंटरप्टेड एक्सेप्शन जो है वो मैं यूज़ करने वाला हूँ, ठीक है। सो आप सिंपली इसे जो है वो राइट कर सकते हैं, ठीक है, ई डॉट प्रिंट स्टैक ट्रेस, ये मेथड आपने सिंपली जो है वो इसे पास कर देना है, ठीक है। सो ये आपको एरर दे रहा है, वो एरर क्या है कि यहाँ इस ट्राई के अंदर हमने यहाँ क्या करना है, थ्रेड को स्लीप। सो कितना टाइम होगा वो हम इसके अंदर 500 जो है वो पास कर देंगे, ठीक है। सो करंट पोजीशन इज इक्वल टू माई मीडिया प्लेयर डॉट गेट करंट पोजीशन, ये यहाँ पर आपने इंस्ट्रक्शन जो है वो लिखनी है। और यहाँ पर हम सिंपली क्या करेंगे, जो हमारा सॉन्ग सीक बार है उस पर जो सेट प्रोग्रेस है वो यहाँ पर हम जो है वो यूज़ कर लेंगे, सेट प्रोग्रेस। और इसके अंदर जो हमने पास करनी है वो है हमारी करंट पोजीशन, ठीक है। सो ये थ्रेड हमने यहाँ पर लाजमी यूज़ करना था क्योंकि हम अपने सीक बार को अपडेट कर रहे हैं, ठीक है। सो आप इसे क्या कर दें, मिनिमाइज, और अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट स्टेप की तरफ, ठीक है। सो इस मेथड के बाद आपने यहाँ पर सिंपली क्या करना है कि मेरे जो स्टेप्स हैं, जो मेरी इंस्ट्रक्शंस हैं, आपने सिंपली उसको फॉलो करना है। यहाँ पर मैं यूज़ कर रहा हूँ इफ़ स्टेटमेंट, अगर जो मेरा माय मीडिया प्लेयर है वो यहाँ पर क्या है, नल नहीं है, ठीक है, नॉट इक्वल टू नल, तो वो क्या करेगा, क्या उसका बिहेवियर होगा, जो माय मीडिया होगा उसको क्या कर देगा, स्टॉप, ठीक है। अदरवाइज यहाँ पर हम क्या करेंगे, मीडिया प्लेयर को रिलीज़ कर देंगे, ठीक है। सो ये दो मेथड आपने यहाँ पर यूज़ करने हैं। इंटेंट आई इज़ इक्वल टू आई, यहाँ पर क्या यूज़ करेंगे, गेट इंटेंट, ठीक है। सो यहाँ पर हम साथ में यूज़ कर लेंगे बंडल, ठीक है। सो बंडल इज़ इक्वल टू आई डॉट गेट एक्स्ट्राज, ठीक है। सो उसके बाद हम क्या करेंगे, जो हमारा माई सॉन्ग्स होंगे, जो हमारी एरे होगी, उसमें हम जो अब वो अपने जो की के ज़रिए यहाँ पर आप देख सकते हैं भेज रहे हैं, वो यहाँ पर जो अब वो गेट कर लेंगे, ठीक है। सो इसके अंदर हम पास करेंगे एरे लिस्ट, और यहाँ पर बंडल के ज़रिए हम क्या करेंगे, गेट पार्सेबल एरे लिस्ट थर्ड पे, ठीक है। सो इसके अंदर जो हमने पास करना है वो है की हमारी, जो यहाँ पर सॉन्ग है, ठीक है। सो उसे सिंपली कॉपी करें और यहाँ पर आप जो वो पेस्ट कर सकते हैं की।
उसके बाद हम क्या कर रहे हैं कि मैं यहाँ पर जो मैं आइटम के ऊपर जब क्लिक करूँगा, सॉन्ग प्ले होगा, सो उसकी कोई पोजीशन होगी, उसके ज़रिए मैं इस नेम को जो मैं यहाँ पर यूज़ कर रहा था, यहाँ आप देख सकते हैं सॉन्ग नेम, उस पे भी मैं सेट करवा रहा हूँ। सो उसके लिए मैं क्या करूँगा कि ग्लोबली यहाँ पर आप प्लेयर एक्टिविटी में आएँ, और यहाँ पर मैं क्या करूँगा, एक वेरिएबल ले लूँगा स्ट्रिंग एस नेम के नाम से, ठीक है। सो ये मैं ऑलरेडी मैंने यहाँ पर जो वो लिया हुआ है, आप सिंपली से जो वो डिक्लेयर कर दें। और यहाँ पर आपने क्या करना है कि यहाँ आप आएंगे एस नेम, ठीक है, इज इक्वल टू माई सॉन्ग्स डॉट गेट। अब यहाँ पर हमने जो सिंपली पोजीशन को पास कर देना है, ठीक है, डॉट गेट नेम डॉट टू स्ट्रिंग, ये आपने इंस्ट्रक्शन जो है वो राइट करनी है। सो उसके बाद मैं एक और जो है वो यूज़ करने वाला हूँ स्ट्रिंग सॉन्ग नेम, ठीक है, इज इक्वल टू आई डॉट गेट स्ट्रिंग एक्स्ट्रा। और यहाँ पर जो मैं की पास करने वाला हूँ, जो मैंने दो चीज़ें भेजी थी ना अपने मेन एक्टिविटी में से, एक एरे लिस्ट भेजी थी सॉन्ग्स जो उसकी की थी, और यहाँ पर मैंने एक सॉन्ग नेम भेजा था जो उसकी की थी, वो सॉन्ग नेम थी। फर्स्ट टाइम जब मेरी लिस्ट व्यू आएगी और सॉन्ग्स वहाँ पे लिस्ट होगी, वहाँ से मैं जब प्ले करूँगा, तो जो मेरी प्लेयर वाली एक्टिविटी आएगी, फर्स्ट टाइम मैं क्या करूँगा, इस इंटेंट के ज़रिए नेम को शो करवा रहा हूँ, और नेक्स्ट टाइम जो यहाँ पर एस नेम मैंने यूज़ किया है, वो मैं यहाँ पर जो वो यूज़ करूँगा। सो ये मैं आगे चल के आपको जो है वो बता दूंगा कि किस तरह हम इसे यूज़ करते हैं। सो उसके बाद मेरी जो जो मैंने टेक्स्ट व्यू लिया था, यहाँ पर हमने टेक्स्ट व्यू लिया था सॉन्ग टेक्स्ट लेबल, उसके ऊपर मैं क्या करूँगा कि इस टेक्स्ट को मैं सेट कर दूंगा, ठीक है। यहाँ पर मैं यूज़ कर लेता हूँ सॉन्ग नेम, वो मैंने सेट करवा दिया। और आपने यहाँ पर एक और यूज़ करना है, यहाँ पर इंस्ट्रक्शन सॉन्ग टेक्स्ट लेबल डॉट सेट सेलेक्टेड। सो आपने इसे क्या पास कर देना है, ट्रू। सो इस इंस्ट्रक्शन को आप याद रखिएगा, जब मैं अपनी एप्लीकेशन को रन करूंगा तो इसका पर्पस मैं आपको जो है वो बता दूंगा। सो उसके बाद हमने क्या करना है, यहाँ पर हम क्या करेंगे, पोजीशन इज इक्वल टू बी डॉट गेट इंट, यहाँ पर अब जो की है वो हम यहाँ पर क्या कर रहे हैं, पास कर रहे हैं, ठीक है, वो मैं आपको यहाँ पर बताता हूँ। सो यहाँ पर मैं क्या कर रहा हूँ कि मैंने, अगर आप जाएं अपने मेन एक्टिविटी की तरफ, तो मैंने यहाँ पर दो चीज़ें जो है वो भेजी थी, एक थी मेरी एरे लिस्ट जिसमें मैं सॉन्ग को भेज रहा हूँ, एक था सॉन्ग नेम, और थर्ड चीज़ अब मैंने यहाँ पर यूज़ कर ली, वो मैं क्या कह रहा हूँ, बंडल डॉट गेट एंड, और की मैं यहाँ पर पोजीशन यूज़ कर रहा हूँ। सो ये कि मैं क्या चीज़ भेज रहा हूँ, ये मैं अपने उस पोजीशन को भेज रहा हूँ जिस पर मेरा जो सॉन्ग जो वो पड़ा हुआ है। सो मैं यहाँ पर अगेन एक यूज़ कर लूँगा, यहाँ पर डॉट पुट एक्स्ट्रा, यहाँ पर अब जो की होगी वो मैं यहाँ यूज़ कर रहा हूँ POS, ठीक है, पोजीशन। सो यहाँ पर अब मैं क्या भेज रहा हूँ, यहाँ से जो मेरी पोजीशन का वेरिएबल था वो मैं यहाँ से जो है वो भेजूँगा। सो अगर आप यहाँ पर देखें, जो मैंने आपको बताया था सॉन्ग का नेम जब गेट करेंगे तो गेट आइटम एट पोजीशन, सो ये जो आई होगा ये हम इसको यहाँ से भेजेंगे, ठीक है। सो अगेन हम अपने प्लेयर एक्टिविटी में जाएंगे और यहाँ पर जब की पास करेंगे तो वो हमारी की क्या होगी, POS, ठीक है। सो इसकी जो डिफॉल्ट वैल्यू होती है वो हमारे पास जीरो ही हमने रखनी होती है, ठीक है, क्योंकि गेट एंट्रेंस से लेते हैं तो उसकी वैल्यू जो है वो की के ज़रिए आती है, और डिफॉल्ट वैल्यू ये जो पैरामीटर है वो हम जीरो ही इसको पास करते हैं, ठीक है। उसके बाद हम यहाँ पर क्या यूज़ कर रहे हैं, URI, इसका ऑब्जेक्ट बनाया हमने, ठीक है, और यहाँ से अब क्या करेंगे, इज इक्वल टू URI डॉट पार्स। अब इसके अंदर जो स्ट्रिंग हम पास करने वाले हैं वो है माई सॉन्ग्स डॉट गेट, अब इसके अंदर हम क्या पास करने वाले हैं, पोजीशन, और यहाँ पर हम यूज़ कर लेंगे डॉट टू स्ट्रिंग। और अब हम यहाँ पर सिंपली क्या करने वाले हैं कि जो हमारा म्यूज़िक प्लेयर है, माई मीडिया प्लेयर जो मैंने ऑब्जेक्ट क्रिएट किया था, उसमें हम इस URI को पास कर देंगे, ठीक है, मीडिया प्लेयर डॉट क्रिएट।
सबसे पहले हमने कॉन्टेक्स्ट पास करना है गेट एप्लीकेशन कॉन्टेक्स्ट, और सेकंड चीज़ हम यहाँ पर यूआरआई जो है वो पास कर देंगे, ठीक है। सो उसके बाद हम क्या करेंगे, मीडिया प्लेयर को स्टार्ट करेंगे, ठीक है। सो उसके बाद हम क्या करेंगे, जो हमारी सीक बार है, ठीक है, सॉन्ग सीक बार, उसको क्या करेंगे, सेट मैक्स, और इसमें जो इन हम पास कर रहे हैं सेट मैक्स, वो क्या होगी, जो हमारा माई मीडिया प्लेयर होगा उसकी क्या करेंगे, ड्यूरेशन हम यहाँ पर जो वो पास कर देंगे। सो हमारी जो प्रोग्रेस बार होगी वो उतनी सेट हो जाएगी जितना हमारा जो म्यूज़िक प्लेयर जो वो चल रहा है। सो यहाँ तक अब हमने कर लिया। इसके बाद हमारा नेक्स्ट स्टेप क्या है कि हम अपने प्रोग्रेस बार, जो हमारी सीक बार है, उसके ऊपर जो है वो हम लिसनर जो है वो अप्लाई करेंगे, ठीक है। सो यहाँ पर हम क्या करेंगे, जो हमारी सीक बार है, सॉन्ग सीक बार, उसके ऊपर जो है हम सेट करेंगे सेट ऑन सीक बार चेंज लिसनर, ठीक है, न्यू ऑफ। यहाँ पर आप क्रिएट करेंगे तो आपके सामने तीन मेथड जो है वो आ जाएंगे, ठीक है, ऑन प्रोग्रेस चेंज, ऑन स्टार्ट ट्रैकिंग, ऑन स्टॉप ट्रैकिंग, ये तीन मेथड्स आपके सामने जो है वो डिस्प्ले हो जाएंगे, ठीक है। सो अब हम यहाँ से पहले को भी नहीं चेंज कर रहे, दूसरे को भी नहीं यूज़ कर रहे, हम ऑन स्टॉप को करेंगे। ऑन स्टॉप में हम क्या करेंगे, जो हमारा माई मीडिया होगा उसको सीक कर देंगे, ठीक है, सीक टू। अब इंट में मैं क्या पास करेंगे, जो हमारी सीक बार है, ठीक है, डेट डॉट गेट प्रोग्रेस, ठीक है। सो ये हम जो है वो यहाँ पर जो है वो पास करें, ये सीक बार यहाँ पर जो हमारा पैरामीटर आएगा ये हमने जो है वो पास करना है, ठीक है। सो इतना हमने जो है वो यहाँ पर जो है वो काम करना है, ठीक है। सो अब हम क्या करते हैं, हम अपनी एप्लीकेशन को रन करते हैं यहाँ तक और चेक करते हैं कि हमारा सॉन्ग जो है वो प्ले होगा कि नहीं। सो उसके बाद हम देखेंगे कि हमारे कौन कौन से बटन हैं और उनके ऊपर हमने कौन कौन से ऑपरेशन जो है वो परफॉर्म करने हैं, ठीक है। सो यहाँ पर इसने तो एरर जनरेट कर दिया, यहाँ पर ये क्या एरर है, ओहो सॉरी फ्रेंड्स, हमसे जो वो एक मिस्टेक हो गई, ठीक है, हमसे तो नहीं, मुझसे एक मिस्टेक हो गई। वो क्या है कि यहाँ पर ड्रॉएबल के फोल्डर में जो मैंने आइकन्स जो वो क्रिएट किए थे, यहाँ पर आप देख सकते हैं नेक्स्ट आइकन, सो यहाँ पर मैं इसको फिल कलर जो वो रेफरेंस जो वो मैं पास नहीं कर सकता, ठीक है। सो यहाँ पर मुझे क्या करना होगा, यहाँ पर मैं कोई इसका जो है वो कोड पास करूँगा, ठीक है, यहाँ पर डायरेक्ट मैं ये कलर प्राइमरी जो है वो पास नहीं कर सकता। सो आप सिंपली क्या करिएगा, यहाँ से आके आपने कलर कोड को कॉपी करना है, ठीक है, और आप नेक्स्ट में आएंगे और यहाँ पर आपने सिंपली क्या कर देना है, इसे पेस्ट, और पॉज में भी आप इसे क्या करेंगे, यहाँ पर इसको पेस्ट कर देंगे। प्ले में भी आपने सिंपली इसे चेंज करके आपने कोड को कॉपी करना है, ठीक है, और यहाँ से इसको लास्ट जो हमारा बटन है उसमें भी यहाँ पर आप जो वो पेस्ट कर देंगे। सो यहाँ पर हमने कलर को जो वो चेंज कर लिया, ठीक है, क्योंकि एंड्रॉयड स्टूडियो एक ऐसी चीज़ है जो बहता समुंदर है, आपके एरर आएंगे और आपने उसको ढूंढना है कि आपका एरर एग्जिट है क्या। सो यहाँ पर अगेन हम अपनी एप्लीकेशन को रन करते हैं और चेक करते हैं कि हमारा सॉन्ग जो है वो प्ले हो रहा है और जो अभी एरर आया था रिसोर्स का वो रिजॉल्व हुआ है कि नहीं। सो फ्रेंड्स, जो हमारी एप्लीकेशन है वो रन हो चुकी है और हमारे मेमोरी के अंदर जो भी फ़ोन मेमोरी के अंदर जो भी सॉन्ग्स थे वो हमारे लिस्ट व्यू के अंदर जो है वो शो हो चुके हैं। अब मैं क्या करता हूँ कि कोई भी सॉन्ग जो है वो प्ले करता हूँ, ठीक है, फॉर एग्जांपल मैं यहाँ से ये सॉन्ग्स जो है वो प्ले करता हूँ। सो आप यहाँ पर देख सकते हैं हमारा सॉन्ग जो है वो प्ले हो चुका है, ठीक है, और यहाँ पर मैं जो ही प्रोग्रेस को छोड़ रहा हूँ तो यहाँ पर जो आप देख सकते हैं कि सॉन्ग जो वो मेरा सो आपने देखा है कि हम किस तरह जो इस सॉन्ग को प्ले कर रहे हैं। सो चलते हैं हम अपने नेक्स्ट स्टेप की तरफ, और यहाँ पर हमने करनी है अब कुछ अपडेशंस। वो क्या है कि हमने जो लेआउट में अपने नेक्स्ट बटन, प्रीवियस और प्ले बटन है उसके ऊपर हमने जो है वो ऑपरेशंस को परफॉर्म करना है, ठीक है। सो अब प्लेयर एक्टिविटी में रहकर अब हमने क्या करना है, एक एक करके हम अपने बटन के ऊपर लिसनर जो है वो अप्लाई करेंगे, ठीक है। हमारे पास तीन बटन्स थे, सो चलें स्टार्ट करते हैं।
सबसे पहले अब हम क्या करेंगे कि btn पॉज को देखेंगे, डॉट सेट ऑन क्लिक लिसनर न्यू ऑफ व्यू डॉट ऑन क्लिक लिसनर, सो आपका ऑन क्लिक लिसनर इसके ऊपर जो है वो अप्लाई हो जाएगा। सो अब आपने यहाँ पर क्या करना है कि सबसे पहले यहाँ पर आपने सीक बार जो हमने यूज़ की है सॉन्ग सीक बार उसको क्या करना है सेट मैक्स, जो इसके अंदर हमने पोजीशन जो है वो सेट करनी है वो अगेन हमारी यही है कि माई मीडिया प्लेयर डॉट गेट ड्यूरेशन, ठीक है आपने इसे सिंपली सेट कर देना है। और यहाँ पर अब हम इफ स्टेटमेंट लगाएंगे, इफ माई मीडिया प्लेयर डॉट इज प्लेइंग, सो अगर हमारा जो मीडिया प्लेयर है जो हमारा म्यूजिक है वो प्ले हो रहा हो तो क्या कर देगा यहां पर, सो यहां पर हम क्या करेंगे पॉज btn पॉज डॉट सेट बैकग्राउंड रिसोर्स, और यहां पर अब हम क्या करेंगे आर डॉट ड्रॉएबल डॉट, यहाँ पर अब हमने क्या करना है कि जो हमारा प्ले का बटन है आइकन वो हम यहाँ से सिंपली जो वो सेलेक्ट कर लेंगे, जो अब एल्स की कंडीशन में अब हमने यहाँ पर क्या करना है कि सिंपली जो हमारा सॉरी यहाँ पर अब हमने आइकन तो सेट कर लिया लेकिन उसके बाद हम क्या करेंगे डॉट माई मीडिया प्लेयर डॉट पॉज, ठीक है सो एल्स के अंदर अब हमने क्या करना है btn पॉज डॉट सेट बैकग्राउंड रिसोर्स, और यहां पर आपने क्या करना है आर डॉट ड्रॉएबल डॉट यहां पर पॉज के आइकन को सिलेक्ट करना है, ठीक है और यहां पर आपने क्या कर देना है मीडिया प्लेयर डॉट स्टार्ट, ठीक है सो जो हमारा मीडिया प्लेयर का सॉरी जो हमारा प्ले का जो ऑपरेशन था वो तो हमने परफॉर्म कर लिया। सो अगेन हम अपनी एप्लीकेशन को रन करके चेक करते हैं, सो हमारी जो एप्लीकेशन थी वो रन हो चुकी है, कोई भी मैं रैंडमली सॉन्ग जो है वो प्ले करता हूँ, ठीक है सो अब यहाँ पर अगर मैं अपने बटन को क्लिक करूँ तो यहाँ पर आप देख सकते हैं जो ही मैंने क्लिक किया तो मेरा जो आइकन है वो चेंज होके प्ले का हो गया और मेरा सॉन्ग जो है वो स्टॉप हो गया। अगेन मैं क्लिक करता हूँ तो मेरा जो सॉन्ग है वो प्ले हो गया और पॉज का बटन जो है वो सेट हो गया है, ठीक है सो अब हमने अगेन अब क्या करना है हमारे दो बटन्स जो वो अभी भी प्रीवियस हैं, ठीक है सो इसके बाद हम क्या करेंगे कि btn नेक्स्ट के ऊपर जो वो ऑन क्लिक लिसनर अप्लाई करेंगे, सेट ऑन क्लिक लिसनर न्यू ऑफ व्यू डॉट यहाँ पर व्यू और यहाँ पर ऑन क्लिक लिसनर अप्लाई कर दिया। तो यहाँ पर अब हम क्या करेंगे सबसे पहले जब नेक्स्ट के बटन पर क्लिक हो सबसे पहले तो हमारा मीडिया प्लेयर जो है वो स्टॉप होना चाहिए, ठीक है मीडिया प्लेयर स्टॉप होना चाहिए, उसके बाद मीडिया प्लेयर को हम क्या करेंगे रिलीज़ भी करेंगे और उसके बाद हम क्या करेंगे जो पोजीशन होगी उसको क्या करेंगे हम इंक्रीज कर देंगे, ठीक है एक स्टेप हमने जो है वो सॉन्ग को आगे करना है, मतलब कि हम अपने सॉन्ग्स को एक स्टेप जो है वो मतलब कि इंक्रीज़ कर रहे हैं, ठीक है सो उसके लिए अब हम यहाँ क्या करेंगे जो पोजीशन होगी उसमें एक जो है वो ऐड कर देंगे, वन जो है वो उसमें पोजीशन में ऐड कर देंगे, ठीक है सो उसके बाद अब यहाँ पर हम क्या यूज़ करेंगे परसेंट साइन, ठीक है और माय सॉन्ग जो हमारी एरे लिस्ट है डॉट साइज, ठीक है अब यहाँ पर हम अगेन URI जो वो यूज़ करेंगे U इज इक्वल टू URI डॉट पार्स, सो इस URI डॉट पार्स इस मेथड के अंदर हमने क्या पास करना है माई सॉन्ग्स जो हमारी अरे लिस्ट थी डॉट गेट, अब यहाँ पर हमने क्या पास कर देनी है सिंपली पोजिशन और यहाँ पर डॉट टू स्ट्रिंग, ठीक है सो यहाँ पर अब इससे नेक्स्ट स्टेप क्या होगा कि जो माई मीडिया प्लेयर होगा इज इक्वल टू मीडिया प्लेयर डॉट क्रिएट, अब यहाँ पर क्या पास करेंगे गेट एप्लीकेशन कॉन्टेक्स्ट और यहाँ पर हम यू जो URI था वो हम यहाँ पर सिंपली जो वो पास कर देंगे, उसके बाद हम यहाँ पर क्या करेंगे जो एस नेम था, ठीक है जो हमने यूज़ किया था वेरिएबल उसमें क्या करेंगे कि हम अब नेक्स्ट सॉन्ग का नेम जो है वो यहाँ पर
यूज़ करने वाले हैं, ठीक है। सो उसके लिए हम यूज़ करने वाले हैं माई सॉन्ग्स, जो एरे लिस्ट है उसकी गेट करेंगे जो पोजीशन होगी, उस पोजीशन पे जो नेम होगा, ठीक है, गेट नेम, जो सॉन्ग का नेम होगा वो हम जो वो सेट करना चाहते हैं अपने लेबल के ऊपर, जो हमारा टेक्स्ट व्यू हमने जो लिया हुआ था उसके ऊपर। सो सॉन्ग टेक्स्ट लेबल डॉट सेट टेक्स्ट, और इसके अंदर जो हम पास करेंगे वो है एस नेम, ठीक है। सो इसके बाद हम क्या करेंगे, अपने मीडिया प्लेयर को स्टार्ट कर देंगे, क्योंकि हम अब हमने अपना नेक्स्ट सॉन्ग जो है वो प्ले करना है। सो अब हम क्या करेंगे कि अगेन अपनी एप्लीकेशन को रन करेंगे और चेक करेंगे कि हमारा नेक्स्ट बटन काम कर रहा है कि नहीं। सो फ्रेंड्स, जो हमारी एप्लीकेशन थी वो रन हो चुकी है। अब मैं क्या करता हूँ कि कोई भी सॉन्ग जो वो प्ले करता हूँ, मैंने जो ही आप देख सकते हैं सॉन्ग प्ले किया तो मेरा नेम भी यहाँ पर शो हो रहा है, ठीक है, जो मैंने इस सॉन्ग प्ले किया। अब जो ही मैं नेक्स्ट के बटन पर क्लिक करता हूँ तो मेरा जो नेक्स्ट सॉन्ग है वो यहाँ पर प्ले हो चुका है, और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर लेबल के ऊपर जो टेक्स्ट व्यू है उसके ऊपर नेम जो है वो सेट हो चुका है, ठीक है। सो यहाँ पर नेक्स्ट सॉन्ग और यहाँ पर है उसका नेम जो है वो सेट हो चुका है, ठीक है। सो अब चलते हैं हम अपने नेक्स्ट बटन की तरफ, जो है हमारा प्रीवियस बटन डॉट सेट ऑन क्लिक लिसनर न्यू ऑफ व्यू डॉट ऑन क्लिक ने। सो हमारा जो मेथड है वो इस तरह ऑटोमेटिकली जो वो जनरेट हो जाएगा, ठीक है। सो इस मेथड के अंदर भी हम क्या करेंगे, प्रीवियस करना है, तो सबसे पहले हमें जो मीडिया प्लेयर है उसको क्या करना होगा, सबसे पहले स्टॉप करना होगा, और उसके बाद हम क्या करेंगे मीडिया प्लेयर डॉट रिलीज, और उसके बाद हमने कुछ इंस्ट्रक्शंस लिखनी है। सबसे पहले हम क्या करेंगे, पोजीशन को डिक्रीज करेंगे इस बार, क्योंकि हम सॉन्ग को अपना जो है वो एक स्टेप बैक पे लेके जा रहे हैं, ठीक है। सो हम पोजीशन जो होगी उसमें से हम क्या करेंगे, -1, ठीक है, इज ग्रेटर देन 0। सो मैंने ये 0 क्यों किया है, क्योंकि जो एरे लिस्ट है जो पोजीशन होगी 0 से कम तो नहीं हो सकती ना। सो उसके लिए मैंने ये यहाँ पर जो है वो यूज़ कर लिया। उसके बाद क्या होगा, माई सॉन्ग्स डॉट साइज, ठीक है, उसमें से क्या कर देगा -1, और उसके बाद यहाँ पर हमने जो लास्ट चीज़ है वो है पोजीशन -1, ठीक हो गया। सो उसके बाद हम अगेन क्या करेंगे, URI का एक ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे, इज इक्वल टू URI डॉट पार्स माई सॉन्ग्स डॉट गेट, और इसके ऊपर पोजीशन डॉट टू स्ट्रिंग। उसके बाद हम क्या करेंगे, मीडिया प्लेयर इज इक्वल टू मीडिया प्लेयर डॉट क्रिएट, अगेन हम यहाँ पर क्या पास करेंगे, गेट एप्लीकेशन कॉन्टेक्स्ट, और यहाँ पर हम यू पास कर देंगे, ठीक है। सो उससे नेक्स्ट स्टेप ये है कि अगेन मैंने कहा है यहाँ से मैं जो वो गेट करूँगा और यहाँ पर मैं जो वो सेट कर दूंगा उसका नेम। सो मैं यहाँ से इन लाइंस को जो वो कॉपी करता हूँ और यहाँ पर मैं क्या कर देता हूँ, पेस्ट। सो ये दोनों एक ही वर्क कर रही हैं, ठीक है। सो उसने क्या करना है कि जो बैक प्रीवियस पे जो सॉन्ग होगा उसका नेम जो है वो गेट करके और आपके सामने डिस्प्ले के ऊपर जो है वो शो कर देगा, ठीक है। सो जो हमारा बैक का ऑपरेशन है वो यहाँ पर कंप्लीट होता है, ठीक है। अब हम अगेन अपनी एप्लीकेशन को रन करते हैं और चेक करते हैं कि जो हमने बैक का जो बटन है उसके ऊपर जो फंक्शंस किए हैं वो प्रॉपर वर्क कर रहे हैं कि नहीं। सो फ्रेंड्स, जो हमारी एप्लीकेशन है वो रन हो चुकी है। अब हम कोई भी सॉन्ग जो है वो यहाँ से प्ले करते हैं, ठीक है। अब देख सकते हैं यहाँ से मैंने जो ही सॉन्ग प्ले किया तो अब मैं क्या करूँगा, यहाँ से प्रीवियस बटन पर क्लिक करूँगा। सो मैंने जो ही प्रीवियस बटन पर क्लिक किया तो मेरा इससे जो बैक पे सॉन्ग था वो मेरा यहाँ पर प्ले हो चुका है। अब मैं क्या करता हूँ, नेक्स्ट। सो यहाँ पर आप देख सकते हैं मेरा सॉन्ग जो वो प्रॉपर वर्क कर रहा है, यहाँ पर प्ले बटन यहाँ पर प्रॉपरली वर्किंग जो कर रहे हैं, और जो हमारी चीज़ वर्किंग जो वो नहीं कर रही वो है हमारी सीक बार। सो चलें अब हम क्या करते हैं, इस सीक बार के कलर को चेंज करते हैं और देखते हैं कि ये हमारी जो सीक बार है वो इंक्रीज क्यों नहीं कर रही, ठीक है।
सो फ्रेंड्स, अगर हमारी सीक बार अगर जो वो इंक्रीज़ नहीं कर रही थी, तो वो ये थी कि यहाँ पर मैंने क्या किया था कि एक मिस्टेक मुझसे हो गई थी, जो मेरा थ्रेड था उसको मैंने यहाँ पर जो वो स्टार्ट नहीं किया। तो सिंपली आप क्या करेंगे, अपडेट्स सीक बार डॉट स्टार्ट, जो आपने थ्रेड इसका क्रिएट किया था इस ये थ्रेड, सो सिंपली आपने वहाँ पर उसको जो क्या करना है स्टार्ट कर देना है। सो मैंने आपसे बात की है कि मैं प्रोग्रेस जो बार है, जो सीक बार है, उसके कलर को मैं जो वो चेंज करना चाहता हूँ। सो उसके लिए मैं दो इंस्ट्रक्शंस आपको जो वो बताऊँगा। सो सिंपली आपने वो जो वो हमेशा प्रोग्रेस बार को चेंज करने के लिए आपने जो वो, या आप कह सकते हैं सीक बार को चेंज करने के लिए कलर, वो ये आप मेथड जो वो यूज़ करेंगे, सीक बार डॉट गेट प्रोग्रेस ड्राइबल, उसके बाद डॉट सेट कलर फिल्टर, इसके अंदर आप क्या करेंगे, गेट रिसोर्सेज डॉट गेट कलर, और इसके अंदर आपने पास कर देना है आर डॉट कलर डॉट कलर प्राइमरी, ये आपने सिंपली इसके अंदर जो है वो पास कर देना है, ठीक है। सो यहाँ पर ये एरर जनरेट कर रहा है, देखते हैं कि ये क्या एरर जनरेट कर रहा है, ठीक है। सो यहाँ पर ये कह रहा है कि इन ड्राइवेबल कैन नॉट बी अप्लाई टू इंट। सो यहाँ पर अब हमने क्या करना है, इसके आगे हमने एक चीज़ मिस कर दी, वो के है कि यहाँ पर हमने पास कर देना है पोल्टर डफ, ठीक है, पोल्टर डफ डॉट मोड। अब इसको हमने क्या कर देना है, जो हमने सेट करना है वो है मल्टीप्लाई, ठीक है। सो आपका एरर जो है वो यहाँ इस तरह जो है वो रिजोल्व हो जाएगा। सो नेक्स्ट हमने एक जो वो यूज़ करनी है लाइन, वो ये है कि हम यूज़ करेंगे सॉन्ग सीक बार, ठीक है, डॉट गेट दम डॉट सेट कलर फिल्टर, उसके अंदर आपने अगेन गेट रिसोर्सेज डॉट गेट कलर, अब यहाँ पे आर डॉट कलर डॉट प्राइमरी कलर, और इसके साथ यहाँ पर आपने अगेन पोल्टर डफ डॉट मोड, और इस बार आपने यहाँ पर क्या कर देना है, सी आर सी इन, ठीक है। सो ये दो मेथड हैं जिनको हम यूज़ करके जो है वो प्रोग्रेस बार के कलर को चेंज करते हैं, ठीक है। सो ये यहाँ पर एरर जनरेट कर रहा है, ठीक है। आपने सिंपली क्या करना है, ब्लॉब पर क्लिक करना है, और यहाँ से आपने इसको क्या कर देना है, ऐड सुप्रेस लिंट, ठीक है, न्यू एपीआई नोटेशन है, ठीक है। सो आपने उसे ऐड करना है, सो आपका एरर जो है वो रिजॉल्व हो जाएगा, ठीक है। सो अब हम क्या करते हैं कि अपनी एप्लीकेशन को रन करते हैं और चेक करते हैं कि जो हमने चेंजेस किए हैं वो प्रॉपरली वर्क कर रहे हैं कि नहीं। सो जो हमारी एप्लीकेशन है वो रन हो चुकी है, आपके सामने ये सब जो है वो सॉन्ग्स जो है वो आपके सामने शो हो रहे हैं, और यहाँ से अब हम क्या करते हैं, कोई भी सॉन्ग जो है वो रैंडमली प्ले करते हैं, ठीक है। सो आप देख सकते हैं जो मेरी सीक बार है वो यहाँ से इंक्रीज हो रही है, ठीक है। सो नेक्स्ट मैं सॉन्ग प्ले करता हूँ तो सक्सेसफुली मेरा नेक्स्ट सॉन्ग जो वो प्ले कर रहा है, और मेरी प्रोग्रेस बार जो वो यहाँ से वर्क कर रही है। और मैं प्रीवियस करता हूँ तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मेरे जो सॉन्ग है वो चेंज हो रहे हैं, और मैं यहाँ से पॉज भी कर सकता हूँ और यहाँ से प्ले भी कर सकता हूँ, ठीक है। सो अब इस प्लेयर में क्या चेंजेस रह गई हैं, इसमें मैं चाहता हूँ कि यहाँ पर मैं क्या करूँ, नाउ प्लेइंग मेरी हेडिंग आ जाए एक्शन बार पर, और इसके साथ एक आइकन आ जाए जिस पर मैं क्लिक करूँ तो बैक एक्टिविटी पे चला जाऊँ। सो वो हम जल्दी से जो वो ऐड कर लेते हैं, ठीक है। सो उसके लिए आपने क्या करना है, यहाँ पर आप ऊपर आएंगे कास्टिंग के, इस तरह आप यहाँ पर जो है वो यूज़ कर लें। सो सबसे पहले हमने क्या करना है, गेट स्पोर्ट एक्शन बार डॉट सेट टाइटल, यहाँ पर मैं चाहता हूँ कि मैं टाइटल सेट कर दूँ नाउ प्लेइंग, ठीक है। सो यहाँ पर आपने ये यूज़ कर लेना, और उसके साथ गेट अप स्पोर्ट एक्शन बार डॉट सेट डिस्प्ले, यहाँ पर आपने क्या कर देना है, ट्रू पास कर देना है इस मेथड को। अगेन हम क्या करेंगे, गेट स्पोर्ट एक्शन बार डॉट सेट होम एज अप इनेबल्ड, यहाँ पर आपने क्या कर देना है, ट्रू। सो ये दो आपने यहाँ पर जो वो मेथड जो वो यूज़ कर लेने हैं, ठीक है। यहाँ पर एक है होम और यहाँ पर एक आपने यूज़ करना है शो, ठीक है।
सो ये दो मेथड हैं जो आपने यहाँ पर जो है वो यूज़ करने हैं, ठीक है। यहाँ पर ये एरर जनरेट कर रहा है क्योंकि हमने सही मेथड को यूज़ नहीं किया। यहाँ पर हमने यूज़ करना है यहाँ पर शो होम इनेबल्ड और यहाँ पर ट्रू, ठीक है। यहाँ पर आपने ये दो मेथड यूज़ करने हैं और यहाँ पर अब हम क्या करेंगे कि एक मेथड को ओवरराइड करेंगे। आपने सिंपली क्या करना है, आर्ट इंसर्ट, और यहाँ पर क्या करना है जी, ओवरराइड मेथड। और यहाँ पर आपने सर्च करना है ऑन ऑप्शन आइटम सिलेक्टेड, ये आपने मेथड जो वो यूज़ कर लेना है यहाँ पर, ठीक है। अब यहाँ पर कंडीशन आपने एक यूज़ करनी है, वो कंडीशन क्या है कि इफ़ जो आइटम है यहाँ पर, ये जो पैरामीटर है, इफ़ आइटम डॉट गेट आइटम आईडी इज़ इक्वल टू, अब यहाँ पर आपने क्या करना है, एंड्रॉयड डॉट आर डॉट आईडी डॉट होम, ठीक है। अगर ये आईडी इस होम के इक्वल हो तो क्या कर देगा, यहाँ पर ऑन बैक प्रेस्ड को मेथड को मैं कॉल कर दूंगा। सो अब हम क्या करते हैं, अगेन अपनी एप्लीकेशन को रन और चेक करते हैं कि हमने जो चेंजेस की हैं वो अप्लाई हुई हैं कि नहीं। सो फ्रेंड्स, जो हमारी एप्लीकेशन है वो रन हो चुकी है। अब हम क्या करते हैं कि कोई भी सॉन्ग जो वो प्ले करते हैं, फॉर एग्जांपल ये। सो यहाँ पर आप देख सकते हैं जो मैंने टाइटल है जो सेट किया था वो आपके सामने नाउ प्लेइंग आ रहा है, और यहाँ पर बैक जो है वो बटन हमने जो है वो यूज़ कर लिया। सो मैं जो ही इस पर क्लिक करूँगा तो मेरा सॉन्ग जो है वो प्ले है और मैं बैक एक्टिविटी पर आ गया हूँ। सो मैं यहाँ से कोई भी जो है वो सॉन्ग प्ले करता हूँ, फॉर एग्जाम्पल ये। सो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मेरा सॉन्ग जो है वो प्ले हो चुका है और मेरी प्रॉपर एप्लीकेशन जो है वो वर्क कर रही है। मेरा प्रोग्रेस बार इंक्रीज कर रहा है, सीक बार, यहाँ से मेरा सॉन्ग पॉज हो रहा है, यहाँ पर प्ले हो रहा है, नेक्स्ट मेरा सॉन्ग प्ले हो रहा है, ठीक है। और यहाँ से अगेन नेक्स्ट, और यहाँ से मैं जो है वो अपने सॉन्ग को बैक भी कर सकता हूँ, ठीक है। तो फ्रेंड्स, ये था आज का हमारा ट्यूटोरियल जिसमें मैंने आपको बताया है कि किस तरह हम म्यूज़िक प्लेयर को क्रिएट करते हैं। मैंने अपने इस वीडियो के तीन पार्ट्स में इसको डिवाइड किया है कि किस तरह हम म्यूज़िक प्लेयर को क्रिएट करते हैं। उसमें हमने डिफरेंट चीज़ें देखी हैं कि किस तरह हम रन टाइम परमिशन को गेट करते हैं, किस तरह हम लिस्ट व्यू में अपने सॉन्ग्स को मेमोरी से रीड करके लिस्ट व्यू में ऐड करते हैं, और लिस्ट व्यू से किस तरह हम न्यू एक्टिविटी में सॉन्ग को लेके जाते हैं और वहाँ से उसको जाके प्ले करते हैं। और हमने एक प्रोफेशनल लुक जो म्यूज़िक प्लेयर ऐड किया था। सो अगर आपको कोई प्रॉब्लम या कोई क्यूरी हुई तो कमेंट्स में मुझसे लाजमी पूछ लीजिएगा, और इस वीडियो के एंड पे आपने मुझे कमेंट्स में लाजमी फीडबैक देनी है कि आपको किस तरह वीडियो किस तरह की आपको लगी और कितनी हेल्पफुल वीडियो है, ठीक है। सो लाइक शेयर और कमेंट्स करना ना भूलिएगा, और अगली वीडियो तक असल ट्रैक की तरफ से अल्लाह हाफिज़।